भारतीय बेटियों की धमक देखिए। हुआ क्या कि स्पैनिश हॉकी फेडरेशन अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो उसने इस अवसर पर एक इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया। उसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के मुकाबले हो रहे थे, तो महिला वर्ग में भी उसकी इच्छा यही थी। और खास करके जब ऐसे मौके पर कोई टूर्नामेंट आप आयोजित करते हैं, तो आपकी हार्दिक इच्छा होती है कि आप वो टूर्नामेंट जीते। लेकिन भारत की महिला हॉकी टीम ने स्पेन की महिला हॉकी टीम के रंग में भंग डाल दिया। जी हाँ, एक निर्णायक मुकाबले में भारत की महिला हॉकी टीम ने स्पेन की महिला हॉकी टीम को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 गोलों से पराजित कर वो खिताब जीत लिया जो स्पेन की महिला हॉकी टीम जीतना चाहती थी। तो भारत की इस खिताबी जीत की दास्तान आज आपको सुनाऊंगा। पूरे टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा आपको यह भी बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। स्पेनिश हॉकी फेडरेशन के 100 साल पूरे हुए हैं, इस 100th एनिवर्सरी मना रहा है स्पेनिश हॉकी फेडरेशन, और इस अवसर पर उसने एक हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया। और महिला वर्ग में जो है, स्पेन को करना क्या था, बस अपने आखिरी मैच में भारत की महिला हॉकी टीम को हरा देना था। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि भारतीय महिला हॉकी टीम के इरादे कुछ और थे। देखिए, जब मैच शुरू हुआ, ये निर्णायक मुकाबला, ये पूरा टूर्नामेंट डबल राउंड रॉबिन लीग के आधार पर खेला गया, और ये आखिरी मुकाबला भारत और स्पेन के बीच हो रहा था। स्पेन अपने घर में खेल रहा था, उसकी जो उम्मीदें थी वो ज्यादा थी, दावेदारी मजबूत थी, लेकिन भारत की महिला हॉकी टीम ने इस निर्णायक मुकाबले में अपने नर्व को संभाला और निर्णायक अवसरों पर गोल दागकर स्पेन की टीम को पराजित कर दिया। पहले क्वार्टर में कोई गोल नहीं हो सका, दोनों टीमें पर प्रयास करते रही, लेकिन दूसरे क्वार्टर में 24वें मिनट में जो भारत की अनुभवी फॉरवर्ड हैं वंदना कटारिया, उन्होंने एक मैदानी गोल दागा और भारतीय टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसी स्कोर पर हाफ टाइम होता है, फिर तीसरे क्वार्टर में दोनों ही टीमों ने काफी प्रयास किए लेकिन गोल नहीं आ सका। फिर शुरू होता है चौथा क्वार्टर, भारत 1-0 से आगे था इस वक्त तक। स्पेन की कोशिश थी कि वो उस गोल को उतार दे, लेकिन इससे पहले कि वो गोल उतारने की सोचे, 48वें मिनट में भारत के लिए मोनिका ने एक और मैदानी गोल किया और भारत को 2-0 की अग्रता दिला दी। 2 गोल से पिछड़ने के बाद स्पेन ने फॉरवर्ड में अपने खिलाड़ियों की संख्या बढ़ाई और अटैक करने की कोशिश की, लेकिन खेल खत्म होने के 2 मिनट पहले उदिता ने भारत के लिए तीसरा गोल किया, और जब खेल खत्म हुआ, जब फाइनल हुटर बजा, तब भारतीय टीम 3-0 से आगे थी, जो ये बता रहा था कि इस निर्णायक मुकाबले को जीतकर भारत ने स्पैनिश हॉकी फेडरेशन के 100वीं वर्षगांठ पर आयोजित इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें तो देखिए, डबल राउंड रॉबिन लीग के आधार पर मुकाबले खेले गए। भारत का जो पहला मुकाबला स्पेन से हुआ था वो बराबरी पर छूटा था, इंग्लैंड से भी भारत का जो पहला मुकाबला हुआ था वो बराबरी पर छूटा था। अगर हम बात करें तो इंग्लैंड से 1-1 का ड्रॉ था, तो स्पेन के साथ 2-2 का ड्रॉ था। उसके बाद जब फिर दूसरे राउंड रॉबिन लीग का चरण शुरू होता है, तो भारत ने इंग्लैंड को 3 गोलों से पराजित किया और लालरेम सियामी ने जो है वो हैट्रिक लगाई, और लालरेम सियामी के हैट्रिक की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को 3 गोलों से पराजित किया। और फिर था आखिरी मुकाबला जो कि स्पेन से था, मेजबान था स्पेन, और वो पूरा दम लगा रहा था, उसे बस करना क्या था, भारतीय महिला टीम को पराजित करना था। लेकिन भारतीय लड़कियां जो हैं, जो भारतीय बेटियां हैं, उनके इरादे कुछ और थे, उन्होंने स्पेन की महिला टीम को कोई अवसर नहीं दिया, 3 गोलों से पराजित किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 8 अंक अर्जित किए और खिताब जीत लिया, जबकि स्पेन और इंग्लैंड की टीम के 4-4 अंक रहे। तो अभी आपके लिए सूचना यह कि स्पेनिश हॉकी फेडरेशन की 100वीं वर्षगांठ पर आयोजित इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट का खिताब भारत की महिला हॉकी टीम ने जीत लिया है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।